With a brief introduction, और उसके बाद we'll discuss about in detail about the acute treatment of migraine, and then we'll discuss the prophylaxis, migraine prophylaxis. This is not a new topic. Headache is the most common neurological symptom. अगर आप लिस्ट बनाएं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की, या जो पेशेंट हमारे पास ओपीडीज में आते हैं, सो अगर आप लिस्ट बनाएं जो कॉमनेस्ट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, उसमें टॉप पे हेडेक है, उसके बाद एपिलेप्सी आती है, स्ट्रोक है, वीकनेस और बाकी सारी बात की चीज़ें. तो कॉमनेस्ट थिंग इज हेडेक, और हेडेक में जो कॉमनेस्ट है ऑफ कोर्स माइग्रेन, स्पेशली इन द मिडिल एज. प्रेवलेंस क्या हेडेक की, वन हाफ टू थर्ड फोर्थ ऑफ द पॉपुलेशन हैव सफर्ड हेडेक फ्रॉम इन द लास्ट वन ईयर, और इनमें से एटलीस्ट 30% को माइग्रेन एक साल में रहा. ये फिगर्स बाहर की हैं, आई गेस यहाँ पे भी फिगर्स सेम ही होंगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होएगा. तो अराउंड क्वार्टर परसेंट 25% ऑफ पेशेंट्स हैव माइग्रेन इन द लास्ट वन ईयर, ठीक है. और ज़्यादातर आप देखेंगे इट्स अ डिसेबलिंग सिम्टम, डिजीज शायद इतनी बड़ी ना हो, बट सिम्टम बड़ा डिसेबलिंग है. पेशेंट्स लूज देयर वर्क, काम का खर्च होता है, और आपके डेली रूटीन से बुरी तरीके से मुतासर होती है. अमेरिकन डाटा जो है अमेरिकन का लिखा हुआ है, 1 out of 6 अमेरिकन अवर अ पीरियड ऑफ 3 months हैव अ सीवियर हेडेक और माइग्रेन, ठीक है. 1 out of 6 अमेरिकन हैड अ सीवियर हेडेक और माइग्रेन इन द पीरियड ऑफ 3 months, एंड यस थैंकफुली मोर कॉमन इन फीमेल्स. मेल्स में थोड़ी कम है और फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है. बाहर का डाटा है कि 5th लीडिंग कॉज ऑफ ईआर विजिट्स, हमारे यहाँ तो ओपीडी में आधे से ज्यादा पेशेंट हेडेक के होते हैं. ऑफ कोर्स व्हेन द पेशेंट हैज एक्यूट हेडेक तो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं इमरजेंसी में, और बड़ा अनड्यू बर्डन है इमरजेंसी में हेडेक के पेशेंट्स का. और ज्यादातर हेडेक इज यूजुअली बेनाइन, लेस कॉमनली सब्स्टिट्यूट विद आईसीएच और सम अदर सीरियस पैथोलॉजी, मोस्टली इट इज ड्यू टू माइग्रेन और मे बी टेंशन टाइप हेडेक, राइट. तो बस आगे चलते हैं जी. अच्छा, सवाल ये कि हेडेक आती कहाँ से, ब्रेन के अंदर तो पेन रिसेप्टर है ही नहीं है, ठीक है. तो एज वी कैन सी पेन रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं जी, मेजर तो ब्लड वेसल्स में मेनिंजेस से हैं, स्कैल्प एंड स्कल, ये चार स्ट्रक्चर्स हैं दैट कंट्रीब्यूट टू द हेडेक. ऑफ कोर्स पैरासाइकल मसल्स भी बाद में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर जो चीज़ हेडेक मेन जो हमारे पास जो है जहाँ से हेडेक ओरिजिनेट होती है, जैसे ब्लड वेसल्स, मेनिंजेस, स्कैल्प एंड स्कल. वुमेन में प्रेवलेंस 25% है, मेन में लेस देन हाफ 8% है, और 70% माइग्रेन से वो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री. एंड वी ऑल नो द माइग्रेन इज अ एज ऑफ इज अ डिसऑर्डर ऑफ अ पेन ऑफ द मिडिल एज पीपल, राइट. 25 टू 50 इयर्स ऑफ एज में माइग्रेन कॉमन है. ऑफ कोर्स इट टेंड्स टू अफेक्ट द चिल्ड्रन एंड एल्डरली एज वेल, बट कॉमनेस्ट जो है वो मिडिल एज में. 70% में इट्स अ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, बट वी डोंट नो द ट्रांसमिशन. अच्छा, ये क्राइटेरिया हम सबको याद होना चाहिए, स्पेशली जो न्यूरोलॉजी के लोग हैं, ऑफ कोर्स मेडिसिन वालों को भी किसी हद तक. इंटरनेशनल हेडेक क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक डिसऑर्डर्स, इंटरनेशनल क्लासिफाइड डिसऑर्डर थर्ड एडिशन का क्राइटेरिया जो है एटलीस्ट 5 अटैक्स फुलफिलिंग क्राइटेरिया B2D. 5 अटैक्स चाहिए, पहले होता था जी महीने में 15 दिन होनी चाहिए, 3 महीने होनी चाहिए, 2, अब ऐसा कुछ नहीं है. वी जस्ट नीड 5 अटैक्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ हेडेक. नंबर 1, अटैक शुड लास्ट एटलीस्ट फ्रॉम 4 to 72 hours, 4 घंटे से लेके 3 दिन तक चल सकता है, ठीक है, एनी वेयर अराउंड एयर, ऑफ कोर्स व्हेन अनट्रीटेड और अनसक्सेसफुली ट्रीटेड. इसके अलावा 2 सिम्टम मजीद होने चाहिए, एक इट शुड बी यूनिलैटरल लोकेशन, इट शुड बी यूनिलैटरल लोकेशन, एंड सेकंड इज पल्सेटिंग क्वालिटी. जो पल्सेटिंग पेन होती है इट शुड बी देयर, ठीक है. और इसके अलावा जो चार जो लिखे उसमें यूनिटेड लोकेशन होगी, सेकंड इज पल्सेटिंग क्वालिटी, थर्ड इज अ मॉडरेट सीवियर पेन इंटेंसिटी. हेडेक हल्की फुल्की नहीं होनी चाहिए, सो मच सो द पेशेंट हैज टू स्टॉप द वर्क, एटलीस्ट उसका वर्क बुरी तरीके से इफेक्ट हो, एंड इज एग्रीवेटेड बाय द रूटीन फिजिकल एक्टिविटी. या तो यूनिटेड लोकेशन हो, पल्सेटिंग क्वालिटी, मॉडरेट सीवियर पेन इंटेंसिटी, और एग्रीवेशन बाय और कॉजिंग अवॉइडेंस ऑफ रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज, वॉकिंग और क्लाइंबिंग स्टेयर्स, हेडेक शुड बी सीरियस. और इसमें से फर्दर 2 चीजों में से एक चीज फर्दर पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉजिया एंड और वॉमिटिंग, इन दोनों से एक चीज तो मस्ट है फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइग्रेन. और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर फोटोफोबिया, फोनोफोबिया दोनों होना चाहिए फॉर डायग्नोसिस ऑफ हेडेक. ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है इसकी, बिकॉज वंस यू डायग्नोज द पेशेंट विद माइग्रेन, इट मीन्स के पेशेंट का ट्रीटमेंट अगले 10-12 साल, 25-30 साल चाहिए, बिकॉज दिस डिसऑर्डर कंटिन्यूज इन हिज लाइफ एंटिल लेट इन लाइफ. नो, नॉट बेटर कॉन्टेंट फॉर एनी अदर इंटरनेशनल
क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक डिसऑर्डर थ्री डायग्नोसिस। तो थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेते हैं। फाइव अटैक्स कम अज कम लास्टिंग 4 to 72 hours। उसके अलावा एडिशनल जो है वो दो क्राइटेरियाज होने चाहिए इनमें से, सी में से, यूनिटरी लोकेशन, पल्सेटिंग क्वालिटी, मॉडरेट और सेवर पेन इंटेंसिटी एंड एग्रेवेशन बाय द रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज। इनमें से कोई दो हो गए, एक से ही क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया। और थर्ड ये करेगा, ड्यूरिंग हेडेक पेशेंट शुड हैव नॉजिया एंड और वॉमिटिंग और फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया और नो अदर बेटर डायग्नोसिस, इसे कोई और डायग्नोसिस पे फुलफिल ना होता हो। अच्छा, माइग्रेन की दो टाइप है, वी ऑल नो, दीज ऑल आर बेसिक्स। माइग्रेन विद ओरा, दैट्स अ बिट अनकॉमन एंड द कॉमनेस्ट इज माइग्रेन विदाउट ओरा। अच्छा, रोल ऑफ सीजीआरपी, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, इट प्लेज अ की रोल इन द माइग्रेन पैथोफिजियोलॉजी। इट्स अ 37 अमीनो एसिड न्यूरोपेप्टाइड and that is expressed in the trigeminal ganglion nerves and is potent vasodilator of the cerebellar and dorsal vessels. It mediates the trigeminovascular transmission from intracranial vessels to the central nervous system as well as the vasodilatory component of the neurogenic inflammation. It the vasodilation bhi karega aur pain transmission jo ho rahi hai from the intracranial vessels to the central nervous system, dono kamon mein ye equally involved hai, theek hai, dono jo prongs hai uske headache ke us pe equally involved hai। इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन। तो सीजीआरपी इज अ हॉट टॉपिक नॉट इज फॉर द एक्टिव रिसर्च इन द माइग्रेन, आगे इसको लेकर भी थोड़ा सा। Phase stages of migraine, it starts with the prodrome, then aura, फिर headache start होती है mild, moderate to severe and end पे postdrome, ठीक है? Starts with prodrome, aura, headache and postdrome. अब prodrome क्या है? ये basically these are non-specific symptoms, जो कुछ भी हो सकते हैं। Patient can have mood changes, patient can have yawning, photophonophobia, vision changes, patient can have simply fatigue, myalgias. Patient can have anorexia, nausea, diarrhea, constipation. They occur 24 to 48 hours prior to the onset of headache, right? Then becomes aura. 25% around quarter of the patients have aura. It's an episode of focal neurological change, dwells over 5 to 15 minutes and lasts up to 60 minutes. Typical aura jo hai wo is last less than an hour. Ek ghante se upar aura usually nahi hota. विजुअल ऑरास हो सकते हैं, वी ऑल नो दे आर वेरी कॉमन, पिछले बड़ी कॉमनली प्रेजेंट करते हैं विजुअल ऑरास के साथ। बड़े कॉमन है, ब्राइट लाइंस आएंगी, शेप्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, व्हाट भी हो रहा है, ऑरास दे आर लेस कॉमन बट यस पेशेंट डू प्रेजेंट टिनिटस वेरी कॉमनली एंड देन द मोटर सेंसरी ऑरास, बर्निंग, पेन, पैरेसीजियास लाइक दिस। हेडेक इट कैन लास्ट फ्रॉम आवर टू डेज, आई हैव डिस्कस प्रीवियसली, यूजुअली यूनिलैटरल एट लीस्ट बिगिन विद इन 70% ऑफ द पेशेंट्स, 90% patients have co-existing nausea and constitutional symptoms, they are common. Post-traumatic patient with drowsiness ho sakti hai, cognitive changes ho sakti hai, memory and focal temporary amnesia ho sakta hai, difficulty with concentration or doing his routine work ho sakta hai after the headache settles. Treatment kya hai? Treatment ye hai ki aapne headache ko rok dena hai to start. Jo 4 se 72 ghante hai, koshish kare patient ka headache pehle hi resolve ho jaye. बिकॉज वन इट स्टार्ट तो एस्केलेट को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हेडेक नीड्स टू बी कॉट बिफोर द सेंट्रल सेंसिटाइजेशन अकर्स, जो सेंसिटाइजेशन की स्टेज थी ना उसके आने से पहले पहले हेडेक को रोक लें तो यू आर अ गुड डॉक्टर। अर्ली इंटरवेंशन एंड यूज फास्ट एक्टिंग माइग्रेन मेडिकेशन। जनरल ट्रीटमेंट है अवॉइड ट्रिगर्स किसी पेशेंट को हेडेक इज मोर विद द म्यूजिक, जो भी ट्रिगर्स है पेशेंट के उसे अवॉइड करें। मेंटेन रेगुलर स्लीप स्केड्यूल, दैट्स वेरी कॉमन, जो स्लीपलेस नाइट जो लोग ज्यादातर रात को सोते हैं उनमें हेडेक ज्यादा कॉमन है। मेंटेन रेगुलर मील स्केड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर देखते हैं रमजान में बहुत से लोग हेडेक के साथ आते हैं विद फास्टिंग। फास्टिंग इज इंपॉर्टेंट ट्रिगर फॉर द माइग्रेन। लो टायरामिन, वी ऑल नो, लिमिट कैफीन, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मतलब चाइनीज सॉल्ट जो यूज करते हैं, इट कैन ऑल्सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस,
वी ऑल नो एक एक्यूट ट्रीटमेंट है, जब पेशेंट का हेड हो हेडेक स्टार्ट हो गए तब क्या करना है। एंड सेकंड इज अ प्रिवेंटिव थेरेपी। एक्यूट थेरेपी में क्या है, इट शुड वर्क क्विकली टू रिलीव द माइग्रेन पेन एंड अदर सिम्टम्स और दे आर टेकन एट द माइग्रेन ऑनसेट। प्रिवेंटिव थेरेपी में क्या है, दे प्रिवेंट एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ अटैक्स। इनका एम क्या है, पेशेंट को एक महीने में 10 अटैक हो रहे हैं माइग्रेन के, तो इट शुड दे शुड रिड्यूस द नंबर टू 1 or 2 आइडियली। Should be used in mild to moderate headache. Inhibit possibly although they inhibit the prostaglandin formation and they reduce the inflammation. Commonly most used are naproxen, ibuprofen, aspirin and COX-2 inhibitors. These four drugs are there. Four NSAIDs are. Indomethacin works good, but the recommendation four of them are naproxen, ibuprofen, aspirin, COX-2 inhibitors. इनकी जो है recommended dose कितनी, aspirin 900 to 1 gram. Ibuprofen 400 to 600 milligram, naproxen 275 to 825 milligram, diclofenac 50 to 100 milligram, cetirizine 100 milligram. They should be prescribed in these doses to control the headache in the patients who have mild to moderate headaches. Second are their triptans. They are very in. They were introduced in early 90s. अब तब से use हो रहे हैं. Used to for the treatment of moderate to severe headache of moderate severe migraine. These are the 5-hydroxytryptamine agonists. अब 5-hydroxytryptamine या serotonin के receptors जो हैं वो 7 family हैं, उनकी further types हैं। जितना CNS पे काम जो है serotonin receptors पे आजकल हो रहा है, किसी और neurotransmitter पे आजकल नहीं हो रहा। India involved in modality of number of the disorders like headache है, उसके अलावा vomiting है, ये nausea है, ऐसा क्या बहुत सी चीजें हैं, मैं किसका जिक्र भी आगे आएगा। They should be used early. More effective in mild and moderate pain, and they can cause rebound. अच्छा एक और बड़ी important बात है, one of the effect of hydroxytryptamine receptors is to cause dilated blood vessels to constrict. For this reason, it is advisable not to take a triptan too early in attack of migraine. Patient को aura में triptan नहीं लेना चाहिए. Once the headache sets in, then it should be started. Patient should take the first dose when headache is just beginning to develop, but not before this stage. Do not take it in the aura stage and do not take it to prevent one from coming soon. एक aura stage में नहीं लेना और prevention में इनका कोई role नहीं है. They should be given for the acute treatment of migraine. By mouth लेते हैं वो एक घंटे में ऐसा करते हैं और जो subcutaneous है intranasal है they can start from 10 to 15 minutes to half an hour. Triptans के नाम जो कॉमनली यूज होते हैं हमारे पास होता है तो सुमर ट्रिप्टन है, सॉल्वेंट ट्रिप्टन है, पर राइजा नारा ट्रिप्टन, फोवा ट्रिप्टन, एली ट्रिप्टन है, एल्बो ट्रिप्टन ये अवेलेबल है। आई गेस ऑल आर अवेलेबल समहाउ। साइड इफेक्ट्स में ट्रिप्टन्स के पता होने चाहिए बिकॉज़ वी प्रिस्क्राइब देम वेरी कॉमनली। चेस्ट प्रेशर, टाइटनेस, हेवीनेस, जॉ टाइटनेस, डिजीनेस, सोमनोलेंस, फटीग, नौजिया, पैरेसिथियास। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या ट्रिप्टन्स की, बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना, कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन, CAD, cerebral vascular disease, peripheral vascular disease, coronary artery disease, of course, smoker, your oral contraception and severe hypertension, they are contraindicated. Acute treatment क्या करते हैं? Of course, एक में तो हमने बता दिया, number one, NSAID था, number two, triptans. Third में, ecotamine tartrate है, you don't use it. We don't use them often. Because of side effects, we have better options. So, we should start with the NSAIDs, and then we go to the triptans in the severe cases. अब हम बात करते हैं स्टेटस माइग्रेनोसिस को कैसे ट्रीट करना है। पेशेंट इज इन सीवियर माइग्रेन, इट शुड बी माइग्रेन डिफाइन कैसे करते हैं, माइग्रेन दैट लास्ट ग्रेटर देन 72 आवर्स इन ड्यूरेशन एंड विल इट्स रिफ्रेक्टिव टू द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। पेशेंट के पैन से या एनसीड से बेहतर नहीं होते। स्टेरॉइड बस दिया जा सकता है, ओरल मेथाइलप्रेडनिसोन या प्रेडनिसोन दी जा सकती है। सुमाट्रिप्टन इमिडियन के नाम से आती है, हमारे पास लीडिंग ब्रांड था, 6 मिलीग्राम सब कट इंजेक्शन दिया जा सकता है, अवेलेबल भी है। It's available and it can be given subcutaneous injection, sumatriptan. It cocktail bhi recommended hai ki isko bhi thoda sa dekh le, yaad kar le. If the patient present in this with a severe headache in the emergency room, solate diya kya jaye, patient ko sirf vomiting bhi ho rahi hai aur headache bhi ho rahi hoti hai, uske liye bhi toradol, any ketorolac,
60 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं, 60 मिलीग्राम आई एम देन डाइफेनहैलिडामिन और गैबिनेट 50 मिलीग्राम आई एम एंड प्रोफ्लोरपेराजिन और स्टेमेटिक 10 मिलीग्राम आई एम। ये कॉकटेल देने से 90% पेशेंट ठीक हो जाए, बट रिमेंबर इसके बाद पेशेंट शुड बी ट्रांसिट, किसी मस्ट हैव अ ड्राइवर और ऊबर व्हाटएवर। प्रेगनेंसी में कैसे ट्रीट करना है माइग्रेन को? आइडियल शुड बी एसिटामिनोफेन और पैरासिटामोल, आइडियल ड्रग टू गिव इन द प्रेगनेंसी, और कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटामिनोफेन और मेटोप्रोपामाइड नेक्सोलोन फर्स्ट लाइन, सेकंड कंट्रोल नहीं हो रहा था। एस्पिरिन, एनसीड्स सच एज नेप्रोक्सन, इबुप्रोफेन एंड केटोरोलैक आर सेकंड लाइन ऑप्शंस एंड दे आर सेफेस्ट इन द सेकंड ट्राइमेस्टर बिफोर 20 वीक्स। तो सेकंड ट्राइमेस्टर पेशेंट प्रेजेंट हो गए तो वी कैन ट्रीट द पेशेंट विद द एनसीड्स। थर्ड लाइन थेरेपी फॉर नॉन रिस्पोंडर्स वी कैन ट्राई द सोमाटेप, ओरली देते 50 to 100 मिलीग्राम या सबका देते 4 to 6 मिलीग्राम या इंट्रानेजल देते 5 to 20 मिलीग्राम। अ थ्योरेटिक पॉसिबिलिटी है वैसोकंस्ट्रक्शन ऑफ द यूरोप्लेसेंटल वेसल्स एंड इंक्रीज यूट्रोटॉनिक एक्टिविटी, बट अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट्स के मतलब इसके बारे में खास एविडेंस नहीं आया, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन की नहीं आई, बट यस थ्योरेटिकली देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो टू बिगिन विद फर्स्ट लाइन में आपने यू ट्राई विद एसिटामिनोफेन, सेकंड में एनसीड्स एंड थर्ड इज सोमाट्रिप्टन, प्रोफाइलेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। प्रिंसिपल्स, स्टार्ट स्लो गो स्लो, कंसीडर कोमॉर्बिड कंडीशन चूजिंग अ मेडिकेशन एंड मे आई एज सेकंड मेडिकेशन। कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन? एंटी सीजर मेडिकेशंस टोपारामेट वेलप्रेट गैबापेंटिन कॉमनली यूज, टोपारामेट वेलप्रेट एंड गैबापेंटिन एंटी हाइपरटेंसिव, बोथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, मेटोप्रोलोल प्रोपैनोलोल एंड टिमोलोल जिनो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में वेलप्रामिल, पर हमारे यहां पे सबसे सबकी हॉट फेवरेट फ्लोनेरिजिन चल रही होती है इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। एंटी डिप्रेशंस पे ट्राइसाइक्लिड्स हैं, एमिट्रिप्टेलिन नॉर्ट्रिप्टेलिन में हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा चली जाती है, नॉर्ट्रिप्टेलिन एमिट्रिप्टेलिन एंड मेटफ्लेक्सिन ऑफ कोर्स आप अगर आप जो है कंपोज की बात करते हैं। तो जो नया एडिशन है इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, वो सीजीआर की एक एंटागोनिस्ट है, उससे जो कॉमनली आप जो हाँ हमारे यहाँ पे लोकली अवेलेबल है वो ग्लेक्टिनिजुमैब है, ठीक है, दिस इज रिसेंटली बिकम अवेलेबल इन द मार्केट एंड ऑफ कोर्स इट्स शोइंग वेरी गुड रिजल्ट्स, दो इट्स वेरी एक्सपेंसिव ड्रग, 96,000 का इंजेक्शन, बट दिस शोज अ मार्वेलस रिजल्ट्स। एंड देन कम्स अ बोटॉक्स टॉक्सिन, बोटुलिनम टॉक्सिन, दीज हमारे पास 5 जो फैमिलीज है, एंटी सीजर मेडिकेशंस, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डिप्रेसेंट, सीजीआर एंटागोनिस्ट एंड बोटुलिनम टॉक्सिन, ये पांचों यूज हो सकती हैं फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बहुत ज्यादा एविडेंस तो नहीं है, बट स्टिल मैग्नीज ग्लाइसिनेट राइबोफ्लेविन मेलाटोनिन CoQ10 बटरबर एक्यूपंक्चर है बायोफीडबैक योगा मेडिटेशन। उसके अलावा कुछ डिवाइसेस भी अवेलेबल है माइग्रेन के लिए, वेगल नर्व स्टिमुलेशन, स्प्रिंग TMS, ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन से पहले इंटेंस साइक्लोइड, आगे फिर इनका जिक्र दोबारा जब डिटेल से आ जाएगा। प्रिवेंट, हमने क्यों प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करनी है? या तो मेरे इसको बहुत ज्यादा हेडेक है, हफ्ते में 2 या 3 दफा हेडेक हो रही है, तो फिर इसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देना बनता है। नंबर टू, टू सीवियर डिसेबलिंग, साल में एक ही दफा सर्द होती है, बच्चे डिसेबल्ड होती है कि मरीज को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एंड इट कॉजेज द लॉस ऑफ हिज वर्क और जॉब, तो पेशेंट यूजुअली प्रेफर्स टू हैव द प्रोफाइलेक्सिस फॉर सच काइंड ऑफ हेडेक। टू मेनी एक्यूट मेडिकेशंस, अस्पताल में जाता है 5-6 दवाइयां लगानी पड़ती हैं, सेडेटिव्स देने पड़ते हैं, इंजेक्टेबल्स लगाने पड़ते हैं, तो ऑफ कोर्स ऐसे पेशेंट्स भी प्रेफर करते हैं टू सिक टू टेक मेडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन से पेशेंट हार्ट डिजीज है पेशेंट को, राइट, तो ऐसे पेशेंट्स भी दे शुड बी ऑफर्ड प्रोफाइलेक्सिस फॉर माइग्रेन। टू लिटल वॉल्यूम फॉर एक्यूट ट्रीटमेंट टू वर्क, टू मच टू डू पेशेंट प्रेफरेंस, टू स्केलिंग हेमिटोलॉजिक पेशेंट को माइग्रेन है तो दिस इज वेरी डिवास्टेटिंग, तो उसके लिए आप कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हेडेक अटैक प्रिवेंट ही हो जाए रादर देन हैविंग द एक्यूट अटैक ऑफ द माइग्रेन। दे आर जनरली अंडर यूटिलाइज्ड, अच्छा ये एक जर्नलिस्ट साइड है, लेवल ऑफ एविडेंस क्या होते हैं? लेवल ए होता है एस्टेब्लिश एज इफेक्टिव फॉर डिजीज, लेवल टू इज प्रोबेबली इफेक्टिव, लेवल सी इज अ पॉसिबली इफेक्टिव एंड लेवल यू इज एविडेंस इज कॉन्फ्लिक्टिंग। अच्छा जो एफडीए अप्रूव ट्रीटमेंट है बताता हूँ आपको, बीटा ब्लॉकर्स सबसे स्टार्ट होते हैं, बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कॉमनली यूज फॉर प्रोपैनोलोल वेरी कॉमनली, और बॉल और पाक्सन सभी यूज करते हैं बड़े कॉमनली। नॉन सेप्टिक प्रोपैनोलोल एट डोजेस फ्रॉम 120 टू 400 मिलीग्राम पर डे तक दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स टॉलरेंस, पेशेंट कितना कोई बर्दाश्त कर सकता है या साइड इफेक्ट्स नहीं आते तो।
टिमोलॉल और नेलोलॉल और अदर्स, सेलेक्टिव में जाए तो मिटोप्रोलोल और टीनोलॉल। इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? हाइपरटेंशन, ब्राडीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, साइज टॉलरेंस, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज को वर्सन कर सकते हैं। दे कैन कॉज ड्रॉजीनेस, इंसोमनिया, डिप्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स। समटाइम्स यू हैव टू चेंज द ड्रग फॉर दिस। दे समटाइम्स मास हाइपोग्लाइसीमिया, दे कैन कॉज रिबाउंड हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया। अब सर बाकी चीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम उनको, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया वगैरह उसको यूज कर सकते हैं, जस्ट नॉट रेडिड। सेकेंड जो पहली फैमिली थी बीटा ब्लॉकर्स फॉर द प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, एंड नाउ कम टू द सेकेंड फैमिली जो है एंटी सीजर मेडिकेशंस। उसमें डोपामेट है और सोडियम वेलबुट्रेट एंड गैबापेंटेन। डोपामेट को देख लेते हैं, ज्यादातर जरूरत है माइग्रेन में, क्रॉनिक माइग्रेन क्लस्टर हेडेक, डोज है 25 to 100 मिलीग्राम पर डे। हम सीजर्स की तो ज्यादा जा सकते हैं फॉर व्हेन वी ट्रीटिंग द सीजर डिसऑर्डर, बट यहाँ पे मैक्सिमम डोज देनी पड़ती है अच्छा, इट्स अ मल्टी मोडल एक्शन, इट्स अफेक्ट्स इट अफेक्ट्स ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, इट देन अफेक्ट्स द गैबा रिसेप्टर्स, एंड देन इट्स अफेक्ट्स कैल्शियम चैनल एंड सोडियम चैनल ब्लॉकेज करती है, एंड कार्बोनिक एनहाइड्राइड एसोसिएशन को भी अफेक्ट करती है। इट्स अ मल्टी मोडल एक्शन एंड इट्स अ गुड ड्रग फॉर टू कंट्रोल द वेट, कंट्रोल द हेडेक। ऑफ कोर्स सांस का वेट रेगुलेशन भी आता है, क्योंकि बाकी जो ड्रग्स हैं दे कॉज द वेट गेन, स्पेशली फ्लोनेरिजिन है या बाकी आपसे सोडियम मेलिट्रेट को देखें तो दे ऑल कॉज द वेट गेन। दिस इज वन ऑफ द ड्रग दैट कॉजेस एट लीस्ट मेंटेन्स द वेट इफ नॉट वेट लॉस। साइड इफेक्ट्स देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट वेट लॉस जो लोग करा के यूं खुश होते हैं बिकॉज ऑल आर ओबेस नाउअडेज। सेकंड इज टिंगलिंग, कंसंट्रेशन, मेमोरी, लैंग्वेज इंपेयरमेंट, डिक्रीज लिबिडो, एलिनोक्सिया, एक्यूट एंगल ग्लॉकोमा, किडनी स्टोन्स। By the way, telenopsia क्या होता है? It's an abnormal persistent of VN. ये physiological होता है, pathological भी हो सकता है। Abnormal persistence of VN. Hyperglycemia में हो सकता है, certain pregnancies में भी हो सकता है। Second is sodium valproate. Anywhere from 500 mg per day to 1-3 grams per day तक use हो सकता है। Side effect काफी है इस drug के, should not be used in females of the reproductive age. Nausea, sedation, platelet dysfunction, hair loss, tremor, change in cognition, hepatotoxicity, weight gain, pancreatitis, polycystic ovarian syndrome. Botulinum toxin, it's also very underutilized modality, but it has a very good result in the chronic migraine. We all know this acts on the synapse and it prevents acetylcholine vesicle binding and releases at the motor end plates. It acts on synapse. क्या possible side effect है? We all know causes weakness. Patient can have ptosis. Patient can have neck pain. Patient can have weakness. Botox. We use it for the movement disorders. We use in the dermatology dermatological disorders. Of course, patient को जो है वो, लेकिन it should be also used in our hair in the migraine. अच्छा, ये एक नया क्लास है ऑफ कोर्स, जो हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, वी स्टार्टेड विद बीटा ब्लॉकर्स, देन एंटी सीजर मेडिकेशंस, देन वी स्टार्टेड टॉक्ड अबाउट बोटॉक्स, बोटुलिनम टॉक्सिन, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सीजीआरपी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दैट हैव रिसेंटली बिकम अवेलेबल इन पाकिस्तान। दे रिमूव द एक्सेस सीजीआरपी रिलीज फ्रॉम द पेरिवेस्कुलर ट्राइजेमिनल नर्व एंडिंग्स, दे कंटेन द सीजीआरपी मीडिएटेड ट्राइजेमिनो वैस्कुलर पेन ट्रांसमिशन फ्रॉम इंट्राक्रैनियल वेसल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एज़ वेल एज़ वैस्कुलैरिटी कंपोनेंट ऑफ द न्यूरोजेनिक इमेजिंग, पूरे कैस्केड को रोक देंगी सीजीआरपी एंटीबॉडीज। जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो एम गिल्टी के नाम से ग्लेनकिमेज़ोमैब 120 मिलीग्राम का इंजेक्शन है। वी गिव इट अ स्टैंड डोज ऑफ 240 मिलीग्राम सबकट, दो टीके सबकट लगने हैं, उसके बाद वन इंजेक्शन सबकट मंथली, एंड दिस हैज अ वेरी गुड इफेक्ट, वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन प्रिवेंशन। थोड़ा सा देख लें ट्रिप्टेंस को, डाइटेंस को, जीपेंस को, क्या चीजें हैं सारी। ट्रिप्टेंस वी ऑल नो दिस आर द 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है,
they were introduced in 1990s, play important role in migraines and cluster headaches, an important medication hai for the breakthrough headache. ठीक है? और again they act on the 5-hydroxytryptamine receptors, family different 1B और 1D. Diatens, ये नए मॉलिक्यूल है, अब लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में अवेलेबल हुए हैं. ठीक है, लेप्सिटिडाइन जो एग्जांपल है दिया, द 5-hydroxytryptamine F receptors agonist है. Again we are playing with the hydroxytryptamine और sortin receptors. Diatens 1990s में आए थे, and now diatens है, और they are the latest addition to the family of the drugs used for the treatment of acute migraine. And then gepants. GPNs are the CGRP receptor antagonists, जो हमने पहले बात की थी. इसकी भी वो एंटीबॉडीज, बट ये जो है CGRP receptor antagonists and they are taken orally. Of course, I mean, बाकी रोबोट्स में, but जो ease of convenience है वो they are available in the oral formulations. And ये ऐसे antagonists of the calcitonin gene related peptide receptors. अच्छा, अभी आगे चलते हैं. जो हम बात करते हैं प्रिवेंटेटिव की, स्टार्ट विद बीटा ब्लॉकर्स, देन एंटीसीजियम मेडिकेशन, देन द बोटुलिनम टॉक्सिन, देन द सीजीआरपी, नाउ कम टू द एंटी डिप्रेसेंट्स. क्वाइट कॉमनली यूज एमेटिप्रालिन, वेनलाफ्लेक्सिन एंड नैलॉक्सिडिन. आई विल नॉट गो इन डिटेल्स. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरबिलिन, फ्लोनेरिजिन, वेरी कॉमनली यूज. डोज इज 5 टू 10 मिलीग्राम डेली. साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा वेट गेन बड़ा कॉमन है. सोमनोलेंस, हाइपोटेंशन, एक्सटर्नल रिएक्शंस. And of course, we know calcium channel blockers are contraindicated in chronic heart failure, heart block, hypertension, sick sinus syndrome. Candesartan, of course, is also the approved drug for the treatment of migraine prophylaxis. Vitamins, riboflavin, coenzyme Q10, magnesium. ये थोड़ा सा summary है जो drugs हैं for the migraine prevention के लिए. Tadalafil, bisoprolol, metoprolol, flunarizine, topiramate, valproate, pradoxin, amitriptyline. हम सारे बात कर चुके हैं. Recent advances last Friday थी, just once. Recent advances. तो नई चीज़ क्या है? वो lesmetidine है. Lesmetidine, selective 5-hydroxytryptamine F agonist. I already told you, one से A से लेके F तक receptors से 7 families हैं. कि further subtypes हैं 5-hydroxytryptamine की. कहीं पे agonist हैं, कहीं पे antagonist हैं. This one is the recent addition to the treatments available for the acute treatment of migraine. Breakthrough headaches के लिए आप इसको 50 mg, 100 mg orally दे सकते हैं. Ease of जो है usage है is very effective. Then we तो आप पहले हमने बात की थी CGRP antibodies, you know they are the जी पहले भी आप discuss हो रहा था calcitonin gene related peptide receptor antagonists. Example कौन सी है? Remagepan and Ubrogepan. They are oral drugs for the acute attack. So there we have the law that CGRP family में पहले preventative में भी है और acute attack के लिए इनका role है. Then we have the external trigeminal nerve stimulation that have the mixed results. Transcranial magnetic stimulation, spin TMS, vagal nerve stimulation. Lower population में भी vagal nerve stimulation was suited to reduce headache burden in observation. ये सारा अभी जो है research चल रही है, but उसके बारे में कोई consensus guideline नहीं है. तो vagal nerve stimulation still is in the trial phases. I guess it's all. Thank you so much for being such a nice audience. Thank you so much. Any questions?